ask you the questions, you have to see the camera. ठीक है बाबा. Yeah. I want to take a picture with all of you behind. No, no, love it. I love it. बोले. Yeah, okay. ईशा मैम, सबसे पहले वन डे में जस्टिस कैसे डिलीवर्ड होने वाला है, थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को उस बारे में स्नीक पीक देना चाहे. देखिए, चार दिन बचे हैं तो आपको पता चल जाएगा जस्टिस कैसे डिलीवर्ड है. मगर मैं आपको टाइटल जो है मूवी का उसके बारे में बताऊंगी. जैसे हम वी ऑलवेज से जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड. एंड यू नो, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि वो एक दिन भगवान देखेगा, एक दिन कर्म आएगा, एक दिन अच्छा दिन आएगा. तो मूवी का यही हमने दिखाया कि वो जो हम एक दिन की बात करते हैं कि कोई भी हो, चाहे वो कुदरत हो, भगवान हो, खुदा हो या फिर लॉ हो, कि वो हमें जस्टिस मिलेगा. मूवी का टाइटल ही वो है कि वन डे जस्टिस डिलीवर्ड. एंड हम वही दिखाने की कोशिश करें कि कैसे आदमी थक हार के हिम्मत छोड़ देता है, मगर कुछ ऐसे भी इंसान हैं जो रुकते नहीं है जब तक जस्टिस डिलीवर नहीं होता. तो आपको क्या लगता है, मतलब ऐसा क्या रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से जस्टिस मिलने के लिए इतना टाइम लग जाता है? आई थिंक देखिए, एक तो पहली चीज़, अंडर द टेबल बहुत काम होता है, करप्शन बहुत है. और ये मैंने हमारी फैमिली में भी, मतलब आई रिमेम्बर किसी का केस हुआ था, वो 10-12 साल चला, जहाँ पे पता था कि मर्डर कौन है. बट क्या होता है ना कि जजेस जब तक 10-10 महीने बाद की डेट देते हैं, तब तक जज बदल जाते हैं. मगर उस जज को उस टाइम पे पैसा मिल जाता है. फिर लॉयर्स बदल जाते हैं, क्योंकि लॉयर्स को जितने टाइम बाद की आप डेट रखेंगे और जितना टाइम चलेगा केस, उन्हें तभी पैसे मिलते हैं. बट प्रॉब्लम क्या है ना, इतना हर एक ने अपने काम को इतना ज़्यादा वो बना लिया ना, बस बिजनेस माइंड की. आई थिंक इंसानों के बारे में लोग सोचना भूल जाते हैं कि जिसके साथ अनजस्टिस हो रहा है उसका क्या, उस पर क्या गुजर रही है. आपके कैरेक्टर के बारे में अगर बात करें, पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रही है, उसके बारे में बताइए. और सेकेंडली, आपका जो लैंग्वेज है, आपने बहुत काम किया उसके ऊपर, थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ा किरदार को लेकर और लैंग्वेज को लेकर. किरदार पे तो देखिए ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पूरा ओवरऑल कैरेक्टर पे आई थिंक जो मेरी सबसे ज़्यादा मेहनत गई, मतलब जो हमारा प्रिपरेशन में जो टाइम गया, वो टाइम हमारा गया है जब यू नो गेटिंग द डायलेक्ट, गेटिंग दैट एक्सेंट राइट. क्योंकि देखिए, स्पेशल क्राइम ब्रांच ऑफिसर है तो ऐसा नहीं है पढ़ी लिखी नहीं है, वो हर शहर जाती है, उसकी पोस्टिंग होती है. मगर वो काफ़ी बार क्या होता है, जब मैं भी हिंदी बोलती हूँ ना, तो लोग बोलते हैं अरे तेरी हिंदी पता चल रही है कि तू पंजाबन है. तो वो अशोक सर को था कि जब वो मैं बोलूँ, मेरी भाषा में लगना चाहिए कि हाँ ये हरियाणा की है, कि पैदाई वहाँ, पैदाइश वहाँ की हुई है. एंड आई थिंक मेहनत उसमें गई ताकि लगे ना कि ओवर एक्टिंग हो रही है. एंड यू नो, काफ़ी बार जानबूझ के कोशिश करते हैं एक्सेंट लाने की, वो नहीं. एंड वरना पुलिस ऑफिसर का आई थिंक जहाँ पे भी आई थिंक यूनिफॉर्म होती है ना, वहाँ अपने आप ही सीना चौड़ा जाता है और आप एक इतना स्ट्रॉन्ग फील करने लगते हो ना आप. आई थिंक जो, एंड मैं वैसे भी हूँ नहीं वो, मतलब छुई मुई लड़कियों में से, मैं काफ़ी हमेशा रह चुकी हूँ रॉक क्लाइंबिंग एंड डीप सी डाइविंग एंड पता नहीं मैंने क्या क्या आई थिंक किया है अपनी लाइफ में. कि जब बट वो एक आई थिंक वो यूनिफॉर्म का एक अपना अलग अलग वजूद होता है. देखिए, पुलिस वाला होना बहुत, कोई भी किसी भी वर्दी वाले को आई थिंक मैं हमेशा सल्यूट बोलूँगी, थैंक यू सर. मैं तो इनफैक्ट इवन ट्विटर पे मैं इसीलिए अभी जब भी कुछ हंगामा हुआ होता है तो मैं सबसे पहले जाके बोलती हूँ थैंक यू सर. जो भी हमारी पुलिस है, मुंबई पुलिस की फ़िलहाल बात करूँगी, अब तो मुंबई घर है मेरा. बट यू नो, एक पुलिस वाले यार बहुत मुश्किल है. फिर पहली चीज़, पुलिस वाला होना, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो या फिर यू नो रेगुलर पुलिस, बिकॉज जो उनकी मेहनत जाती है, जो जितना उन बेचारों को सोचना पड़ता है, बारिश हो, ईद हो, होली हो, उनको तब भी हमारे लिए सर्विस पे रहना पड़ता है. तो आई थिंक ये सीखने को मिला कि जैसे बोलते हैं ना, एकदम ही अपने घर के बच्चों को और दिवाली को छोड़ के आप औरों का ख्याल रख रहे हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है. बट एक गर्व होता है अगर कोई भी वर्दी वाला रोल करने में. देखिए, हाँ, ये एक्सेसरीज मैच कर रही है और कुछ रीजन नहीं है. हाँ, इसलिए मैंने पूछा.
वन डे और गोल्ड का क्या हो गया? बजट आ रहा है ना, इसलिए गोल्ड पहले खरीद लिया। मैं रियल लाइफ में इतनी दबंग हूँ कि आई थिंक थैंक गॉड मुझे कभी पुलिस वाला नहीं बनाया, क्योंकि जितना मैं अत्याचार और पागलपन देखती हूँ, आई थिंक मुझे जैसे ही पता चलता कि अच्छा ये क्रिमिनल है और अब इसे जेल हो गया, आई थिंक वो जेल ले जाने से पहले मैं मार देती सबको। तो थैंक गॉड मैं नहीं हूँ पुलिस वाली। ईशा मैम, हम सबको पता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग है और कोई भी मतलब चीज़ें होती है तो आप ट्विटर पे पहले अपना रिएक्शन देती है, तो इस फिल्म से और जो कैरेक्टर है और खुद को कितना कनेक्ट करती है, आप थोड़ा सा बताइए उस बारे में। फिल्म से वो देखिए, फिल्म से इसलिए कनेक्ट करती हूँ, जो आई एम श्योर आप सब करते हैं फिल्म से कनेक्ट। हम सब ने अपनी लाइफ में कभी क्या केसेस पढ़ रहे होते हैं यार, जो सालों साल चल रहे हैं, जिनका कुछ लोग होती है जिन्हें दया आती है क्योंकि उन्हें पता नहीं वो बात कि वो क्रिमिनल है नहीं है, कुछ लोग होते हैं जो उसके अगेंस्ट होते हैं। हम सब ने इतना इनजस्टिस और इतना डिलेड जस्टिस देखा है कि हम सबको वो दुख है और अंदर दर्द है, तो आई थिंक उस चीज़ से आप सब रिस्पॉन्ड करेंगे। इनफैक्ट आप इस फिल्म से मैंने हाँ ये ज़रूर जो रिलेट कर पाऊँगी कि लाइक आई सर अभी भी कि अगर आई स्वेयर अगर मेरे बस का होता ना, मुझे पता चलता कि ये सब क्रिमिनल हैं और इनके खिलाफ मतलब प्रूफ है सारा, तो आई थिंक मैं सबको मार देती, कोई मतलब मैं केस ही नहीं लड़ती, सीधा मार देती सबको। ईशा मैम, लास्टली क्या मैसेज होगा हमारी ऑडियंस के लिए? फिफ्थ जुलाई को जाके देखिए थिएटर में वन डे, एंड मुझे पता है आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि वो एक दिन कब आएगा, एक दिन कब आएगा, तो जाके देखिए वो एक दिन आएगा 5 जुलाई को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।